हेलो गाइस, अगर आप अपने फोन के ऐड से परेशान हैं तो मैं आपको एक बहुत बेहतर ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें आप सेटिंग्स कर लेंगे अपने फोन्स पे तो आपको जरा भी कोई ऐड नहीं आएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी होता है। पेड करने पड़ते हैं सारे ऐप्स, हमें जो भी ऐप्स लेने पड़ते हैं पेड करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे फोन में ही एक ऐसी सेटिंग है जिसे हम सेटिंग्स करने के बाद हमारे फोन में कोई, अभी मैं भी इनसॉर्ट अगर चलाता हूँ, इनसॉर्ट में अपना थंबनेल बनाता हूँ तो थंबनेल बनाने के बाद में मेरे पास ऐड आ जाता है। अभी मेरे पास वो ऐड नहीं आ रहा है, मैं कोई भी ऐप्स यूज करूँ तो मुझे ऐड नहीं आ रहा है, और वो है ये ns.adguard.com। ये हमारी सेटिंग्स में लगाना है। अब कहाँ लगाना है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर। यहाँ से अपना मेनू ओपन करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में फर्स्ट में ये कनेक्शन लिखा है, वाईफाई ब्लूटूथ सिम मैनेजर, इस पर टैप करना है और नीचे चले जाना है। जहाँ पे लिखा है सबसे नीचे, एकदम नीचे नहीं जाना है, अभी लिखा है मोर कनेक्शन सेटिंग, मोर कनेक्शन सेटिंग में जाके इसे टैप करेंगे। उसके बाद में यहाँ से लास्ट पे आता है देखो, प्राइवेट DNS। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है DNS.adguard.com। इसे हमें यहाँ पे टैप कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद में वापस देखा जाइए, आपकी सेटिंग्स हो गई रेडी। सो गाइज, ये है अपनी 1 मिनट की सेटिंग्स, कर लीजिए, और भी नहीं किया है कर लीजिए, आपके लिए यूजफुल है वीडियो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, मैं खुद परेशान हो जाता था ऐड देख देख के, आधा टाइम तो ऐड में ही चला जाता है। तो मैंने सेटिंग्स करने के बाद में अभी मुझे कुछ भी ऐप्स यूज़ करूँ मुझे ऐड नहीं आता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। थैंक यू।